हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी शिल्पी क्यूजीन और शिल्पी किचन के नाम से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज तहरी की रेसिपी। जी हाँ, अगर आप लगातार मीठा खा के बोर हो जाएं और नमकीन खा के और समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं दोपहर के लंच में और शाम के डिनर में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। इसके लिए हमने लिया है चावल। जी हाँ, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ चावल बासमती राइस लिया है, दूबर का। इस कटोरे से नाप के लिया है, तो आप कोई भी मेजरमेंट करें तो कोई भी कटोरा ले लें, बॉल ले लें या मेजरिंग कप ले लें। तो इससे हमने 2 कप चावल यहाँ पर लिया और इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसे हमने सारा पानी निकाल के रख दिया था 15 मिनट के लिए। तो इस तरह से पानी सोख लेते हैं चावल और अच्छी तरह से फूल भी जाते हैं। आपको ज़्यादा चावल रगड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चावल टूट सकते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ सब्जियाँ देख लेते हैं। सब्जियों में मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, इस तरह से छोटे छोटे चंक्स में हमने यहाँ पे काट लिए हैं। बड़े साइज़ में आलू लिए हैं, ज़्यादा आप छोटे छोटे साइज़ में ना करें, इस तरह से बड़े साइज़ में आप आलू को कट कर लें। साथ में फूल गोभी हम ले लेते हैं, साथ में प्याज। प्याज आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, बड़े साइज़ हमने प्याज लिया। और साथ में हरी मटर, ये फ्रोज़न मटर हमने लिया है। आप कोई भी सब्ज़ियाँ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर लिया है, क्योंकि इसे हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, तो झटपट बन के तैयार होगी। यहाँ पर हमने डाला है घी। जी हाँ, लगभग 1 चम्मच घी डाला है, कम घी डाला है। और इसमें हम डालते हैं काजू। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है तो आप इसमें हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद है तहरी में। तो मैं इसमें काजू ही डालूंगी, तो काजू को अच्छी तरह से यहाँ पे रोस्ट कर ले, हल्का कलर चेंज हो जाए, कच्चापन दूर हो जाए, बस इतना ही करेंगे। अब देखिए बाहर निकाल लेते हैं, अच्छे से रोस्ट हो गया है काजू, इसलिए मैंने यहाँ पे कम घी दिया था। अगर ज़्यादा दे देते तो फिर अगर इस तरह से निकालते तो घी भी साथ में निकल जाते। अब यहाँ पे हमने पनीर लिया है, तो पनीर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है आ जाएगा, प्रोटीन युक्त हमारा ये तहरी बन के तैयार होगा। तो इसमें थोड़ा सा हमने और घी डाल दिया है और अच्छे से घी डाल के इसे अच्छे से हमने कलर चेंज कर लेना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हमने यहाँ पे कर लेना है। तो इस तरह से हमने कर लिया है, इसे भी अब हम बाहर निकाल लेते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है पनीर का, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसमें हम घी 1 चम्मच और डालेंगे। जी हाँ, मैंने आप देख सकते हैं चम्मच का साइज, उस हिसाब से घी डाला है। अब इसमें थोड़े से हम कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे, घी और कुकिंग ऑयल को मिक्स करके इसमें हम डालेंगे। तो लगभग 4 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी हम ले लेना है और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे घी ले लेना। अच्छे से घी देंगे तो अच्छा बनेगा तहरी आपका, नहीं तो कम में भी बना सकते हैं। अब साथ में 1 छोटा चम्मच जीरा, जी हाँ जीरा डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से चटकने देते हैं। साथ में कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग है और इलायची है। इलायची को मैंने अच्छे से खोल लिया है, 3 इलायची लिया है, छोटी सी दालचीनी और 2 इलायची। तो ये देखिए अच्छे से ये भी चटक जाए, जब आपको अच्छे से खुशबू आने लगे ना तब तक इसे अच्छे से यहाँ पे कर लेना। और ख्याल से लौंग थोड़े से चटक के उड़ते हैं तो ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आप थोड़े से तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं, जो मैंने नहीं डाला है। अब यहाँ पे आलू को डाल दिया है हमने और प्याज को अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने तक हम यहाँ पे इसे फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई रख के आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें। जब भी आपका खाना बनाने का मन नहीं हो, दाल चावल दोपहर के लंच में अगर खा के बोर हो जाए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। देखिए हमारे आलू प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने डाल देना है। प्याज आप अच्छे क्वांटिटी में दोस्तों डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर को हमें यहाँ पर डाल देना है और 1 चम्मच बड़े चम्मच से 1 चम्मच भर कर यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जी हाँ, अच्छी क्वांटिटी में आपको प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, तभी तो स्वाद आएगा ना। तो इसे हमने डाल के थोड़ा सा यहाँ पे हम भून लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून चुका है। अब इसमें और भी जो सब्जियाँ थी ना बाकी को, फूल गोभी, गाजर, उसे भी डाल देते हैं और उसे मिक्स कर लेते हैं। गाजर फूल गोभी मैंने इसलिए नहीं डाला था कि वो बहुत ज़्यादा टूट ना जाए। फूल गोभी ना क्या होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो जल्दी गल जाते हैं, तो हम मैं नहीं चाहती कि वो सॉफ्ट हो और टूट जाए, तो इसलिए मैंने बाद में डाला है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, 1 ही चम्मच से मेज़रमेंट करेंगे। साथ में उसी चम्मच से हम 2 चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पे डाल देते हैं और उसी चम्मच से आप तीखे अनुसार यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। तो मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ।
और साथ में यहाँ पे गोल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच। इसे मिक्स कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है, यानी कि जब तक इसमें से तेल अच्छी तरह से निकल ना जाए, यानी छोड़ ना दे तेल अच्छी तरह से, तब तक इसे हम भूनेंगे। साथ में यहाँ पे हम नमक भी डाल देते हैं ताकि जो टमाटर वो अच्छी तरह से गल जाए। तो 2 छोटी चम्मच यहाँ पे हम नमक का यूज़ कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार डालें जितना आपने चावल लिया है। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स हो जाए। सब्जियों में नमक डाल के भूनेंगे ना तो उनमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा पानी मैंने डाला था 1-2 चम्मच और कितनी अच्छी तरह से सब्जियां यहाँ पे कुक हो गई हैं, सारे तेल छोड़ चुके हैं। सब्जियां बहुत ही टेस्टी बनी। आप इसे डायरेक्ट रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। साथ में काजू पनीर और मटर भी हमने यहाँ पर अभी डाल देना है और उसे भी साथ में यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अब साथ में जो चावल हमने रखा था ना उसे भी डाल दें। चावल को ज़्यादा देर के लिए फूलने के लिए ना रखें, नहीं तो बहुत ही गीली गीली बाद में बनते हैं, तो इसलिए 15 मिनट से ज़्यादा ना रखें। चावल भी डाल दिया और साथ में 2 हरी मिर्ची भी कट करके बीच से डाल दिया है और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। जी हाँ, वीडियो को मैंने फास्ट रखा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। हल्के हाथों से चावल को मिक्स करेंगे तो चावल टूट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे ना कि चावल फिर खिले खिले नहीं बनेंगे। अब इसमें हमने जितना चावल लिया था उसी हिसाब से उसका दुगना हम पानी लेंगे। तो जी हाँ, 2 कटोरी हमने यहाँ पे पानी लिया है, यानी 2 कटोरी हमने चावल लिया था तो 2 कटोरी यहाँ पे हम पानी डाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, चारों तरफ जितने चावल लगे हुए हैं, सब्जियाँ लगे हैं, अच्छी तरह से ये कर लेंगे। साथ में मैंने गर्म मसाला नहीं डाला था, ये घर का गर्म बना हुआ गर्म मसाला है, तो इसमें मैं 1/2 छोटी चम्मच से कम यहाँ पर हम गर्म मसाला डालेंगे। अगर आपका बाहर का गर्म मसाला है तो आप ज़्यादा डाल दें। 3 कटोरी हमने यहाँ पे पानी डाला है। जी हाँ दोस्तों, 2 कटोरी के चावल के हिसाब से यहाँ पे हमने 3 कटोरी यहाँ पे पानी डाला। पानी का मेजरमेंट बहुत ही सही होना चाहिए, नहीं तो वो खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सही मेजरमेंट बता रही हूँ। 2 कटोरी पानी लिया है तो 3 कटोरी हमने, 2 कटोरी चावल लिया है तो 3 कटोरी पानी डाल देंगे। अब देख सकते हैं कि गैस का फ्लेम हाई रख के हल्का सा बॉयल आने लगा। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बॉयल आ चुका है। बस यही चाहिए था, डायरेक्ट ढक्कन हम नहीं लगाएंगे प्रेशर कुकर का, बस एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम गैस का कुकर का लिड यहाँ पे लगा देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, यानी हाई और मीडियम के बीच में रखेंगे और इसे 1 सीटी आने तक कुक करेंगे। 1 सीटी आ चुकी है, इसे हम खोल कर देख लेते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर बन गया है हमारा। तो 1 सीटी आने के बाद हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, उसे पूरी अच्छी तरह से हमने ठंडा होने देना है। जी हाँ, जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब आप गैस यहाँ पे कंटेनर खोले गैस का, उसके बाद अच्छे से ठंडा होने दें। तो देखिए ढक्कन लगा के इसे हमने अच्छी तरह से ठंडा होने दें, एकदम गर्म गर्म में ही आपको नहीं निकालना है, नहीं तो कहेंगे चावल टूट जाएंगे। तो थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, उसके बाद आप इसे खोलिए। तो देखिए मैंने इसे 10 मिनट रेस्ट दिया है और देखिए कितने खिले खिले हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल आपके भी इसी तरह से बनकर तैयार होंगे। हल्के हाथों से नीचे की तरफ से आप कलछी से निकालें, चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। और पानी का मेजरमेंट सही रखें, यानी कि 2 कटोरी चावल लिया था तो 3 कटोरी हमने यहाँ पे पानी का यूज़ किया है। और एक ख़ास बात और करें, जब 1 सीटी लग जाए तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। पूरा प्रेशर ख़त्म होने के बाद आप ढक्कन खोलें और उसके बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट दें, तो उसके बाद सर्व करें। बहुत ही खिले खिले चावल बनकर तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी। आप इसे बार बार बना के खाना चाहोगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के।